तो आज की वीडियो होने वाली लिनोवो वन फंक्शनल एंड्रॉइड 7 की बेस्ट सेटिंग के ऊपर। आज मैं आपको देने वाला हूँ बेस्ट सेटिंग, वो भी लो एंड पीसी के लिए। अगर आपके पास 2 GB रैम है तब भी आप इस एमुलेटर की बेस्ट सेटिंग करके आराम से 45 FPS ले सकते हो अपनी फ्री फायर में। उसके अलावा बात करें प्रोसेसर की, अगर आपके पीसी में कोर टू या फिर पेंटियम आर या पेंटियम डी का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 1 कोर वाला होता है, तो आप आराम से इस एमुलेटर के थ्रू फ्री फायर को खेल सकते हो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। एक भाई ने कमेंट करा था ये एमुलेटर 4 GB रैम के अंदर वर्क नहीं करता है, अगर वर्क करता है तो प्रूफ दिखाओ। तो आज मैं आपको स्पेसिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर अपने पीसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है और 4 GB रैम लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर मैं विंडोज 11 प्रो यूज कर रहा हूँ और 22H2 है, और अपडेट मैं नहीं करता हूँ क्योंकि अपडेट करने से ये इतना ज्यादा लोड उठाती है ना विंडो, सारा प्रोसेसर इसी में लग जाता है। देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो टास्क मैनेजर मैंने ओपन कर दिया, 15 से 20 के अंदर अंदर ये सीपीयू यूजेज होता है, तो इतना तो नॉर्मल हो जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। बारी है एमुलेटर को लॉन्च करने की, सिंपली एमुलेटर को लॉन्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो एमुलेटर हमारा लॉन्च हो चुका है। एमुलेटर लॉन्च होने के बाद यहाँ पर मैं अपनी फ्री फायर को ओपन करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर बेस्ट सेटिंग अप्लाई कर रखी है, तो आपको भी मैं बेस्ट सेटिंग बता देता हूँ। तो आपने 3 डॉट पे जाना है, यहाँ पर जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जाना है कस्टमाइज में। अगर आपके पास पेंटियम आर या पेंटियम डी का प्रोसेसर है आपने 1 कोर देना है। अगर आपके पास कोर 2 या i3 का प्रोसेसर है आपने 2 कोर देने। उसके अलावा अगर आपके पास i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर है 4 कोर पे जा सकते हो। तो मेरे पास 2 कोर वाला प्रोसेसर है, मैं 2 कोर दे रहा हूँ। उसके अलावा रैम मेरे पास 4 GB रैम है, तो मैं 3 GB दे सकता हूँ। यहाँ पर प्रीसेट में आपको देख सकते हो हाई पे मैं 3 GB रैम दे सकता हूँ, लेकिन मैंने 2 GB रैम रखी है। अगर आपके पास 4 GB रैम है आप 2 GB रैम रख सकते हो, काफी है फ्री फायर को प्ले करने के लिए। तो अगर आपके पास 3 GB रैम है तो आपने 1500 MB रैम दे देनी है। उसके बाद डायरेक्ट एक्स और ओपन जीएल दोनों में से कोई भी जा सकते हो। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और प्रोसेसर है कोटी टू वाला है तो आप डायरेक्ट एक्स पे जाओ, अच्छे खासे FPS मिल जाएंगे। उसके बाद रूट मोड को ऑन रखा है और ASTC टेक्सचर को ऑन रखा हुआ है। GPU मेमोरी को ऑन ऑफ करके देख सकते हो, जिसके ऊपर बेस्ट चले आप वो ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आ जाना है डिस्प्ले में, और यहाँ पर आप देख सकते कस्टमाइज में रेजोल्यूशन रखी हुई है 1280x720x240 DPI के साथ। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 60 FPS को ज्यादा अनेबल नहीं करा है, क्योंकि 60 से ज्यादा जो मेरे PC पर आते ही नहीं है। मैंने 60 से 120 FPS को भी अनेबल करा था, लेकिन मेरे PC पर 61 से ऊपर नहीं गए। तो इससे 60 से ज्यादा इनेबल करने का कोई फायदा नहीं है, PC बस हीट अप होगा, लैग करेगा, तो इसीलिए 60 FPS काफी है फ्री फायर को प्ले करने के लिए। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर नेक्स्ट। मैंने यहाँ पर देख सकते हो जनरेट बटन पे क्लिक नहीं किया है, डिफॉल्ट चल रहा है। उसके बाद आप अपीयरेंस में आना और यहाँ पर कर्सर स्टाइल कोई भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद प्रेफरेंसेस में आना और यहाँ पर मैंने एग्जिट डायरेक्टली चूज करके रखा है। तो बस आपने यही सेटिंग सेम अप्लाई करनी है और आपको काफी अच्छे FPS मिल जाएंगे। उसके बाद ओके करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टेस्ट 4 GB रैम में यहाँ पर गेस्ट अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो अभी कर लेते हैं FPS को टेस्ट। FPS को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लॉन वॉल्फ में चलते हैं, लेकिन मिनिमम लेवल चाहिए तो हम लोग सिंपली CS लगा लेते हैं क्लासिक। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ट्रेन यहाँ पर CS है क्लासिक वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं अभी आपको FPS को अनेबल करके दिखाऊं तो यहाँ पर FPS देख सकते हो 40 के आसपास आराम से आ रहे हैं, 40 से लेके 50 के आसपास जा रहे हैं। और यहीं पे रैम की तरफ देखो तो रैम मैंने 2 GB दी थी, लेकिन ये 3 GB के ज्यादा यूज कर रहा है। तो ऐसा क्यों यूज कर रहा है? जितने भी एमुलेटर होते हैं वो ज्यादातर VT को सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से जो वर्चुअल रैम है वो मैंने 5 GB क्रिएट करके रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 7 GB 8 GB रैम वर्चुअल क्रिएट करके रखी है, जिसमें से सिर्फ 1 GB बची है, बाकी 6 GB यूज हो रही है वर्चुअल रैम। तो आप ये बना सकते हो सिंपली YouTube से वीडियो देख के, उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, आपके PC की गेम लैग कम होगी। तो यहाँ पर FPS देख सकते हो मेरे यहाँ पर 40 के आसपास चल रहे हैं, 40 से लेके 50 तक आराम से आ रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर BR के भी अंदर FPS को टेस्ट कर लेते हैं, BR के अंदर कितने FPS आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो जहाज में हमारे 50 के आसपास FPS मिल रहे हैं, तो FPS की कमी इस एमुलेटर में नहीं पड़ने वाली अगर आपके पास Core 2 या i3 का प्रोसेसर है तो। और आपने यहाँ पर मैंने 1280x720 रेजोल्यूशन रखी, आप 960x540 पे जा सकते हो जो कि काफी अच्छी रेजोल्यूशन है, लो एंड PC के लिए काफी बेस्ट है। तो आप उस रेजोल्यूशन पे जाओगे तो आराम से आपको 45 से लेके 60 के अंदर FPS मिल जाएंगे। और FPS देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रॉप होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 30 से नीचे नहीं जा रहे हैं। तो आप इस एमुलेटर को यूज कर सकते हो लो एंड PC के लिए। आप में से एक भाई ने कमेंट करा था ये वीडियो बना दो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रैम दिखा देता हूँ।
साथ में गेम भी चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, 4GB रैम लगी हुई है और विंडोज 11 प्रो चल रही है। क्योंकि मेरी हार्ड जो है वो SSD है, इसी वजह से मेरी विंडो आराम से चल रही है। तो आपकी गेम लैग क्यों करती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपकी गेम क्यों लैग करती है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके PC की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी।